सत श्रीकाल जी सारियां नू, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम DDA का एक 3 BHK का फ्लैट देखेंगे जिसकी लोकेशन रहेगी जनकपुरी। DDA का जो फ्लैट देखेंगे वो रेनोवेटेड फ्लैट देखेंगे, एक्सटेंड हुआ हुआ फ्लैट देखेंगे जिसमें 3 BHK का नक्शा बना हुआ है। इसका जो साइज़ रहेगा वो 1100 स्क्वायर फीट के आसपास का रहेगा और 2 साइड ओपन ये फ्लैट रहेगा। बहुत अच्छे से रेनोवेट हो रखा है, बहुत अच्छा काम इसके अंदर करवा रखा है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये फ्लैट जो है आपको मिल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर की यूनिट है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते किस तरह से ये फ्लैट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रहेगी एंट्रेंस, या देख सकते हैं ये रहेगा स्टेयर्स का एरिया। ग्राउंड फ्लोर की यूनिट है, तो ये रहेगी हमारी एंट्रेंस। एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डोर इन्होंने लगवा रखा है, तो काफ़ी अच्छा वेल फर्निश्ड काम करा रखा है फ्लोर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं ये रहेगा एंट्रेंस, और एंट्रेंस डोर पर आप ये देख सकते हैं लॉक्स भी जो हैं सारे ब्रांडेड इन्होंने लगवा रखे हैं। तो अभी जो हम खड़े हुए हैं एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, कुछ ये रहेगा आपका लिविंग रूम, ये रहेगा आपका लिविंग रूम की स्पेस। सामने रहेगा एक बेडरूम, इधर की तरफ का सेकंड बेडरूम, और अगर हम इधर की तरफ देखें तो ये रहेगा थर्ड बेडरूम। इसके बिल्कुल साथ में रहेगी यहाँ पे किचन। तो ये रहेगा इसका नक्शा। तो अभी जो हम खड़े हुए हैं लिविंग रूम के अंदर खड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ये रहेगी स्पेस लिविंग रूम की, और ये रहेगा डाउन सीलिंग लिविंग रूम के अंदर। इस साइड मिलता है आपको LCD पैनल, पूरा प्रॉपर पैनलिंग का काम इसके अंदर हो रखा है। और आप देख सकते हैं जो फ्लोरिंग भी है वो इटालियन टाइल्स इन्होंने लगवा रखी हैं। तो ये टोटल स्पेस मिलती है आपको लिविंग रूम के अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बिल्कुल साथ में हमारा बना हुआ है फर्स्ट बेडरूम। तो ये आप देख सकते हैं सामने बना हुआ फर्स्ट बेडरूम, 3 BHK विद 3 टॉयलेट बाथरूम के साथ ये जो फ्लैट है वो तैयार हो रखा है। ये रहेगा फर्स्ट बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलेगी आपको फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इधर की तरफ अपना बेड इंस्टॉल कर पाएंगे, साथ में मिलते हैं आपको वार्डरोब जहाँ पे आप अपनी स्टोरेज कर पाएंगे सामान की। ये डबल डोर की वार्डरोब बनी हुई है, ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है। इसके अपोजिट में रहता है आपका LCD पैनल, तो ये रहेगा LCD पैनल, और ये टोटल स्पेस मिलती है आपको रूम के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल साथ में इधर की तरफ रहता है आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम, तो ये आप देख सकते हैं रहेगी अटैच टॉयलेट बाथरूम की स्पेस। ये टोटल स्पेस मिलती है अटैच टॉयलेट बाथरूम के अंदर। जो काम हो रखा है वो काफ़ी डिसेंट हो रखा है, आप देख सकते हैं टाइल्स सब कुछ मॉडर्न और बहुत अच्छी मैचिंग के साथ इन्होंने करवा रखी है। तो ये टोटल स्पेस मिलती है आपको टॉयलेट बाथरूम के अंदर। अगर हम देखें तो इधर की तरफ भी हमारे को एक एक्सेस मिलता है बाहर जाने के लिए, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर मिल जाए। ये आप देख सकते हैं ये रहेगा बालकनी की स्पेस, पीछे रहेगा आपका पार्क। तो ये स्पेस मिलती है हमारे को अपने वॉशिंग एरिया के लिए, यहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन का सेटअप कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा अपना फर्स्ट बेडरूम, यहाँ से हम जैसे बाहर निकलते हैं तो वापस हम लिविंग रूम में एंटर करते हैं। इसके बिल्कुल साथ में हमारा बना हुआ है सेकंड बेडरूम, ये आप देख सकते हैं सेकंड बेडरूम की स्पेस। तो ये टोटल स्पेस मिलती है आपको सेकंड बेडरूम के अंदर, अटैच रहेगा टॉयलेट बाथरूम, और ये टोटल स्पेस रहेगी। सामने रहेगा आपका LCD पैनल, अपोजिट में रहेंगे वार्डरोब्स, और काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है आपको वार्डरोब्स के अंदर, काफ़ी अच्छा सामान की स्टोरेज आपकी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन भी इन्होंने करा रखा है माइके का, और ये स्पेस मिलती है आपको ड्रॉर्स के अंदर, ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाती है। इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो एक यहाँ से भी एक्सेस मिलता है हमारे को बाहर एग्जिट करने के लिए। इधर आपको कॉपर की वायर्स भी इंस्टॉल मिल रही हैं, और ये रहेगा डाउन सीलिंग से डिज़ाइंस, लाइटिंग्स इन्होंने करवा रखी हैं। सामने एक और एंट्रेंस मिलती है आपको, सो एक ये भी रहेगी एक्सेस आपके फ्लैट की, ये आप देख सकते हैं ये भी आपको पूरा एरिया मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये अभी हमने देखा अपना सेकंड बेडरूम, रूम में बिल्कुल साथ में ये आपको मिलता है अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो ये आप देख सकते हैं अटैच टॉयलेट बाथरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलती है, फिटिंग्स होनी अभी बाकी हैं। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम। अब इस रूम से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल साथ में ही बना हुआ हमारा थर्ड बेडरूम, ये रहेगी थर्ड बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलती है आपको थर्ड बेडरूम के अंदर। इसके अपोजिट पे इधर की तरफ मिलता है आपको एक LCD पैनल, ये रहेगा आपका LCD पैनल, और इसके अपोजिट में इधर की तरफ मिलती है आपको वार्डरोब्स। तो ये वार्डरोब्स की स्पेस रहेगी, अच्छे से आप यहाँ पे स्टोरेज कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप शीशा लगवा लेते हैं तो ये आपका
ड्रेसिंग टेबल का काम करेगा, और ये अंदर आपको स्टोरेज मिल जाएगी सामान रखने के लिए। तो कुछ इस तरह से ये हमारा थर्ड बेडरूम बना हुआ है। ये टोटल स्पेस मिलती है हमारे को थर्ड बेडरूम के अंदर। इस रूम में भी हमारे को एक बाहर जाने के लिए एक्सेस मिल जाती है और अटैच मिल जाता है टॉयलेट बाथरूम। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम। विंडो इसमें भी रहेगी, वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रही है आपको पूरे फ्लैट के अंदर। सभी रूम्स के अंदर आपको विंडोज़ और एक्सेस के लिए गेट मिल रहे हैं। ये वही स्पेस है जो हमने अभी सेकेंड बेडरूम के साथ देखी थी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा थर्ड बेडरूम बना हुआ है। अब वापस हम चलते हैं अपने लिविंग रूम की तरफ और देखते हैं अपनी किचन को। ये रहेगा हमारा लिविंग रूम, सामने रहेगी हमारी किचन। तो ये आप देख सकते हैं किचन की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलती है आपको किचन के अंदर। ये रहेगा आपका वर्किंग एरिया और सामने रहेगा आपका वेट एरिया जहाँ पे सिंक लगा हुआ है। इधर की तरफ आपको एक विंडो मिल जाएगी जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी आपकी किचन के अंदर। आप देख सकते हैं मॉडुलर किचन का काम करवा रखा है। ये सारा आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाएगी सामान रखने के लिए। प्रॉपर मॉडुलर किचन का काम इसके अंदर हो रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसके अपोजिट में हमारे को किचन पेंट्री भी मिलती है। इसके अपोजिट में ये रहेगी आपकी किचन पेंट्री, यहाँ पे आप अपना सामान यहाँ पे भी स्टोरेज कर पाएंगे। इसके साथ में जो ये स्पेस देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप अपना फ्रिज इंस्टॉल कर पाएंगे। और भी आपको सामान स्टोरेज के लिए बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो ये रहेगी किचन इस फ्लैट के साथ। तो कुछ इस तरह से ये DDA का LIG फ्लैट, कुछ इस तरह से ये DDA का 3 BHK का फ्लैट है जो कि वेल फर्निश्ड और रेनोवेट हो रखा है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा DDA का एक 3 BHK का फ्लैट जो कि LIG फ्लैट है जिसको रेनोवेट कर रखा है और 3 BHK के नक्शे में कन्वर्ट कर रखा है। 2 साइड ओपन ये फ्लैट है, बहुत अच्छा डिसेंट काम इन्होंने करवा रखा है। और इसकी जो लोकेशन है वो जनकपुरी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो लगेगा वो तिलक नगर का लगेगा। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से ये अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। तो जनकपुरी इसकी लोकेशन लगती है। चारों तरफ से वॉल कवर्ड ये सोसाइटी है। पार्किंग जो मिलेगी वो आपको ओपन एरिया के अंदर मिलेगी, आपको ओपन एरिया के अंदर पार्किंग करनी पड़ेगी। यूनिट जो है वो ग्राउंड फ्लोर की है। सब पॉकेट के अंदर वेल मेंटेन पार्क्स भी DDA ने डेवलप कर रखे हैं। तो पार्क भी आपको पॉकेट के अंदर ही मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी वाइड रोड्स मिल जाएंगे जहाँ पर आराम से ईजिली आप पार्किंग भी कर पाएंगे। और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,20,00,000 रुपये। 1,20,00,000 रुपए में ये यूनिट आपको मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर की यूनिट है। इसके अंदर अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आप फाइनेंस पे इस फ्लैट को लेना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप लोन भी इस फ्लैट पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फ्लैट पे विजिट करना चाहते हैं या आपकी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, तो जो सेलर की कॉन्टैक्ट डिटेल होगी वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपडेट कर देंगे। और अगर आपको विजिट करनी होगी तो उसके लिए भी आप इनसे बात कर सकते होंगे। सो फ्रेंड्स, किसी तरह की भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस प्रॉपर्टी की बाइंग में किसी तरह की हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो भी पेपर वर्क होगा वो सारा टेक केयर आपका कर लेंगे। अगर आप हमारे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड इस तरह की प्रॉपर्टी को सर्च कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।